हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होंडा की न्यूली लॉन्च ब्रीज। प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है ये, हाइब्रिड में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मैं आपको कार एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये हमारा प्लग इन हाइब्रिड में है। प्लग इन हाइब्रिड में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप चाहें तो कार को थोड़ी देर ईवी में भी चला सकते हैं, या फिर आप इसको दोनों मोड के अंदर चला सकते हैं। मीन्स आपकी बैटरी और आपका इंजन दोनों साइमल्टेनियसली काम करेगा। अगर आप इसे सिर्फ अपने बैटरी के ऊपर चलाते हैं, मीन्स अगर आप इसे प्योर ईवी फॉर्म के अंदर ड्राइव करना चाहते हैं, तो वहां पर ये आपको रेंज देगी 91 किलोमीटर की। और अगर हम कंबाइंड माइलेज की बात करें, जो आपको बैटरी और आपका इंजन प्लस होके देता है या क्लब करके देता है, वो आपको ऑफर की जाती है यहाँ पर 57 kmpl की, विच इज माइंड ब्लोइंग। तो चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इस कार को कि क्या क्या यहाँ पे हमें ऑफर किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। फ्रंट डिजाइन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनके हेडलैम्प। देखिए, इनका ना अभी तक वही पुराना वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, आजकल स्प्लिट हेडलैम्प का जमाना आ गया है, बहुत अलग अलग टाइप से। इनफैक्ट स्प्लिट के अंदर भी, DRL के अंदर भी पैटर्न दे दिए जाते हैं, एक लाइन दे दी है उन्होंने, नीचे कुछ और क्रिस्टल ऐड कर दिए हैं, वो कुछ नहीं किया होंडा ने यहाँ पे। सिंपल सा वही उनका पुराना वाला पैटर्न है, घिसा पिटा तो नहीं बोलूँगी मैं, अच्छा लगता है ये भी, डिसेंट लगता है ये भी। ऊपर के साइड में आपको DRL दिया गया है, नीचे के साइड में आपके हेडलैम्प्स हैं, और ये जो आपका DRL है ये आपका टर्न इंडिकेटर का भी काम करता है। हेडलैम्प स्ट्रक्चर में जो आपको क्रोम यूनिट दिखाई दे रही है वो आपके कैरी ऑन करी गई है यहाँ पर, तो ताकि जो गाड़ी की ब्रेथ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लगे। और वैसे इस कार की ब्रेथ अगर मैं आपको बताऊँ तो इट इज़ अराउंड 1.7 मीटर्स। बाकी नीचे के साइड में एज सच आपको कोई फॉग लैम्प्स वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। पार्किंग कैमरा आपको यहाँ दिया गया है, और नीचे के साइड में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इस कार के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया जाता है। ऊपर के साइड में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको रेडार दिया गया है, विच इज़ कैमरा बेस्ड। अलॉयज़ की अगर हम लोग बात करें तो 19-inch अलॉय व्हील्स आपको ऑफर किए जाते हैं। 235/55R19 इनका प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है यहाँ पर। थोड़ा फर्दर पीछे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको ORVM दिया गया, जिसके नीचे कैमरा दिया गया है, ये आपका टर्न इंडिकेटर है। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं। होंडा सेंसिंग, होंडा कनेक्ट दोनों चीज़ों से लोडेड है ये व्हीकल। इस कार की डायमेंशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो लेंथ वाइज इट इज़ 4.6 मीटर। कार की जो ब्रॉडनेस है वो है आपकी अराउंड 1.8 मीटर। कार की जो हाइट है वो है आपकी 1.7 मीटर्स के अप्रॉक्स। यहाँ पर जो व्हील बेस आपको ऑफर किया जाता है वो है आपका अराउंड 2.6 मीटर्स का, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपकी वो आपकी है 200 mm तक। बैक प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। ये आपका 5-सीटर व्हीकल है। अंदर के साइड में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और ये लाइट दी गई है, और इस कार में आपको स्पेयर टायर ऑफर नहीं किया जाता। नीचे के साइड में आपको बस जैक एंड टूल किट, थोड़ा सा फर्स्ट एड किट वगैरह दिया गया है। बैटरी का पूरा सेटअप है नीचे, तो इसलिए आपका स्पेयर टायर रखने के लिए जगह ही नहीं बची है इसमें। पावर टेल गेट है हमारे पास, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है, स्पॉइलर, और यहाँ पर हमारी बैक लाइट है, डिफॉगर, वाइपर, और होंडा की बैजिंग है। अगर हम टेल लैम्प की भी बात करें तो ये अगेन वही बहुत इनका बेसिक सा डिज़ाइनिंग है, ज़्यादा आपको अपीलिंग नहीं लगने वाले। ब्रीज यहाँ पर मेंशन किया गया है, प्लग इन हाइब्रिड है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी इन टोटल अगर मैं बैक प्रोफाइल को देखूँ तो लुक पूरा सब कुछ मिला के तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, और स्पेशली अगर आप लोअर बम्पर पार्ट को देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहा है, और जो ड्यूअल एग्जॉस्ट स्ट्रक्चर है उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी स्पोर्टियर लुक आपको देगी। रियर में अगर हम लोग कंफर्ट की बात करते हैं तो कार आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगी, बहुत प्रीमियम क्वालिटी लेदर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, बहुत अच्छी खासी कुशनिंग है, आपको मज़ा आएगा इस कार के अंदर बैठ के। स्पेस आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारा नी रूम, बहुत सारा हेडरूम ऑफर किया जाता है, जगह की कोई दिक्कत नहीं लगने वाली। इनफैक्ट अगर आप डिज़ाइन पैटर्न की बात करेंगे तो डोर के अंदर ये सिल्वर आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाला है। नीचे के साइड में आपको स्पीकर दिए गए हैं, ऊपर के साइड में ट्विटर्स दिए गए हैं। ये व्हीकल आपका ऑल व्हील ड्राइव है, और यहाँ पर आपको जो सीट वेंटिलेशन है वो फ्रंट पैसेंजर्स के साथ साथ रियर पैसेंजर्स को भी ऑफर किया गया है। सेंटर में आपको दो टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे, और ये आपके AC वेंट्स हैं। हैंडरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट ऑफर किया जाता है विद द ट्विन कप होल्डर, और इसकी जो मुझे भी ओपनिंग ना, मैं भी ऑडी की कार को ऑपरेट कर रही थी उसका ये निकालने की कोशिश कर रही थी, बड़ा हार्ड था, उसके कंपैरेटिवली ये बहुत स्मूथ है यार। फ्रंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो स्क्रीन दिए गए हैं, एक आपका इंफोटेनमेंट है और दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। 10.1 inch का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, एंड 12.3 inch का आपको इंफोटेनमेंट ऑफर किया जाता है यहाँ पर। हेड्स अप डिस्प्ले भी इस कार के अंदर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपके पास
नॉर्मल, इको, स्पोर्ट एंड स्नो, ये चार ड्राइव मोड्स आपको ऑफर किए जाते हैं। ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे होंडा कनेक्ट और होंडा सेंसिंग, ये दोनों टेक्नोलॉजीज आपके पास हैं जिसकी हेल्प से आपके बहुत सारे फीचर्स एक्टिव हो जाएंगे, जैसे कि लेन असिस्ट हो जाता है उसकी वजह से एक्टिव आपका, इसमें पार्किंग असिस्ट भी आपको मिल जाता है, इसमें आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाती है, कोलिजन कंट्रोल वार्निंग मिल जाती है, आप अपनी लेन से डिपार्ट कर रहे हैं वो अलर्ट आपको मिल जाएगा। दे आर सो मैनी फंक्शंस जो आपके इन दो चीज़ों की वजह से आपको मिल जाते हैं, और होंडा कनेक्ट की वजह से आप अपने फ़ोन को कार से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी गाड़ी का बहुत कुछ कंट्रोल में रहेगा, कार फेंसिंग भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। स्टीयरिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑफर किया जाता है, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, मैनुअली ड्राइव करोगे तो पैडल शिफ्टर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, हीटिंग ऑप्शन के साथ आपको ये स्टीयरिंग दिया जाता है। बाकी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये फुल ऑन डिजिटल है, इसके अंदर आपको आपकी स्पीड, आपका RPM, आपकी ट्रिप, आपकी फ्यूल इकोनॉमी, आपका बैटरी का स्टेटस, हर चीज़ बहुत क्लैरिटी से दिखाई दे जाएगा। ऊपर के साइड में आपको जो इंफोटेनमेंट दिया गया, आपको बताया मैंने कि फुल ऑन डिजिटल है, ये भी एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, वायरलेस है ये। उसके फर्दर नीचे आप मूव करेंगे तो आपको कुछ नॉब्स दिए गए हैं, वॉल्यूम के लिए आपको फिजिकल नॉब यहाँ दिया गया है, और ये नॉब्स आपके टेम्परेचर एंड ब्लोअर के लिए हैं। फर्दर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास टाइप सी पोर्ट है, USB पोर्ट है एंड 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है। वायरलेस चार्जर के लिए आपको यहाँ जगह दी गई है। इस कार में आपका बोस का म्यूजिक सिस्टम यूज़ किया गया है, जिसके अंदर आपके 8 स्पीकर्स हैं। ECVT ट्रांसमिशन का यूज़ किया गया है। पीछे की तरफ आपको ट्विन कप होल्डर मिल जाते हैं, हैंडरेस्ट में आपको जगह मिल जाती है, और जो ये वाली हमारी ट्रे है, पार्सल ट्रे, आपके डिटैचेबल है। जो स्टीयरिंग है आपका वो आपको सिर्फ टिल्ट सेटिंग के साथ मिलता है, ये टेलीस्कोपिक नहीं है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करेंगे तो लॉक कंट्रोल के साथ मिलता है, और छोटा सा स्टोरेज आपको यहाँ पे भी ऑफर किया गया है। AC वेंट्स के लिए ये इनका पैटर्न है, जहाँ पर बीच का थोड़ा सा पार्ट आपका डेड है, बाकी आपके ब्लोअर्स हैं। ऊपर मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। गॉगल रखने के लिए आपको यहाँ जगह दी गई, और इसमें ये वाला पार्ट आपको बहुत स्मार्ट लगेगा कि अगर आप पीछे किसी से बात कर रहे हो ना, तो आप इसको ऐसे करके सेट कर सकते हैं, आपको पीछे वाले पैसेंजर्स दिखाई देंगे। कार के इंजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ओपनिंग ऑफर की जाती है, प्रॉपर इंसुलेशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। होंडा का इंजन डेफिनेटली हर किसी को पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन बनाते हैं ये, और अगर बात करें हम पेट्रोल में तो इनका कोई जवाब नहीं है। जैसे इस बंदे का कोई जवाब नहीं है कि वो देख रहे थे जैसे कि शूट करे तब भी बीच में से गया। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इंजन हमें कितनी पावर देता है, तो पावर हमें मिलती है यहाँ पर 141 हॉर्स पावर की, और आपको टॉर्क जो ऑफर किया जाता है वो है आपका 183 न्यूटन मीटर का। ये आपका प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपकी बैटरी और मोटर भी लगे हैं, उससे आपको एडिशनल पावर एंड टॉर्क मिलता है। एडिशनल जो पावर हमें मिल रही है मोटर की वजह से, दैट इज 181 हॉर्स पावर, और जो आपको टॉर्क मिल रहा है दैट इज 449 न्यूटन मीटर। फ्यूल टैंक की अगर हम लोग बात करें तो इस कार में आपको 46 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, और भैया माइलेज वाइलेज तो बहुत ज़बरदस्त मिल ही रही है हमें यहाँ पर। यहाँ पर जो कार के वेरिएंट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका अलॉयज है उसका साइज आपका वेरी करेगा, या तो 18 इंच या फिर 19 इंच, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी वेरी करेगा। सेफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 8 एयरबैग्स का यूज़ किया गया है, ABS, EBD, ESP ये चीज़ें इसके अंदर है। फ्रंट और रियर में हमारे डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है, और अमेजिंग व्हीकल है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 22 लाख में ये गाड़ी आपको मिल जाती है, विच इज़ सच अ ग्रेट डील। बहुत अमेजिंग कार है, माइंड ब्लोइंग कार है, न्यू लॉन्च है कार का। देखते हैं इंडिया में कितनी जल्दी लेके आते हैं या नहीं लेके आते, लाइक सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स, मगर मुझे लगता है यार कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इतने कम प्राइस में हमारी कंट्री में भी होनी चाहिए। You're so obsessed with me.
when they can.